एक्टर सलमान खान जिन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है, जो उनके फैंस हैं, उनके चहेते हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनको बड़ा दुख हुआ है। लेकिन मुंबई कोर्ट के फैसले पर कमेंट करते हुए गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने तो हद ही कर दी। उन्होंने गरीबों को कुत्ता बताते हुए सलमान का पक्ष लिया है। अब जयपुर में अभिजीत के स्ट्रीट के खिलाफ झोटवाड़ा थाने में FIR दर्ज किए जाने की तैयारी की जा रही है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिजीत ने हिट एंड रन केस में सलमान खान के खिलाफ कोर्ट की ओर से 5 साल की सजा सुनाए जाने के बाद इस प्रकार का ट्वीट किया। इस ट्वीट में अभिजीत ने कहा कि कुत्ता रोड पर सोएगा तो कुत्ते की मौत ही मरेगा, रोड गरीब के माँ बाप की नहीं है। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा कि फुटपाथ सोने के लिए नहीं है और इसलिए ड्राइवर और शराब का कोई दोष नहीं है। राजधानी जयपुर में जनसमस्या निवारण मंच के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी इस मामले में अभिजीत के खिलाफ झोटवाड़ा थाने में आज FIR दर्ज कराने जा रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि सूरज सोनी जो कि FIR दर्ज इस पर करवाने वाले थे वो करवा चुके हैं और वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सूरज जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। आप अपना पक्ष रख सकते हैं और उन्होंने ट्वीट किया है अभिजीत ने, लेकिन आपको क्या क्या इसमें बुरा लगा है और आगे आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? जी नमस्ते जी। सलमान खान हीट एंड रन मामले में जो केस लाया है उसके बाद में ये जो उनका ट्वीट है, ट्वीट सामने है, मैं समझता हूँ कि ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया गया है और इसमें जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग किया गया है उससे न सिर्फ मेरी स्वयं की भावनाएं आहत हुई है बल्कि समस्त मानवता के ऊपर ये एक कलंक है। और मैं समझता हूँ कि वे तमाम लोग जो शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, दुर्घटनाओं को अंजाम देते हैं, अभिजीत के इस ट्वीट से उनको प्रोत्साहन मिलेगा। अभिजीत ने उन सबको प्रेरित किया है तो मैं समझता हूँ उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। आपराधिक जो धारा 304 है उसका उल्लंघन उन्होंने सीधे सीधे किया है उन लोगों को प्रोत्साहन दे करके, तो मैं समझता हूँ उनको गिरफ्तार किया जाए और इनका ये जो ट्वीट अकाउंट है इसको तुरंत प्रभाव से सीज किया जाए। युवाओं पे इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावनाएं प्रबल है। वहीं अगर बात करें युवाओं की, बात करें सलमान खान के चहेतों की, बात करें दुख की घड़ी जरूर उनके लिए, लेकिन राहत की खबर उन लोगों के लिए भी है जिन पर दुख का पहाड़ 12 साल पहले 13 साल पहले जब उन पर टूटा था। लेकिन बात करें यहां पर इस ट्वीट की, ठीक है आपकी बात हम समझते हैं, जो उन्होंने गलत कहा वो भी हम समझते हैं, वो सबके सामने है। लेकिन अगर कोई कार चला रहा है, गलती से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और फुटपाथ पर सोने की वैसे जगह नहीं है लेकिन जो लोग सोए होते हैं उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है, क्या कितना सही है ये? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति शौक से फुटपाथ पे नहीं सोता है, बड़ी मजबूरी कहीं ना कहीं रही होती है तो वो फुटपाथ पे सो करके अपना समय व्यतीत कर रहा हो। और ऐसे में ये किसी को अधिकार नहीं मिलता कि कोई शराब भी वाहन चलाए और उनको मार दे। और इस पूरे मामले में एक पॉजिटिव पक्ष देखा जाए तो भारत की जो न्याय प्रणाली है उसकी प्रबलता सिद्ध होती है और एक बार फिर साबित हुआ है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो भारत में अगर वो इस प्रकार के अपराधों को अंजाम देगा तो उसको सजा भी मिलेगी, प्रावधान भी जो उसका है वो स्पष्ट रूप से परिलप्त होता है। और यही न्याय प्रणाली पाकिस्तान और अन्य भ्रष्ट मुल्कों से हमको अलग करती है, भिन्न करती है। तो जब आप FIR दर्ज कराने के लिए गए थे, फिलहाल FIR दर्ज हो गई है, आगे किस तरीके की यहाँ पर एक्शन या फिर आगे रणनीति जो आप सोच रहे हैं, क्या कुछ करने की सोच रहे हैं? देखिए अभी झोटवाड़ा थाने में हमने FIR दी है और उसकी पूरी जांच हो रही है, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, हमको कॉपी भी दे दी गई है। लेकिन अब हम आगे मांग करते हैं कि इस प्रकार के जो गायक है इनका सामाजिक सोशल बायकॉट होना चाहिए, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ताकि एक नजीर समाज की तरफ सिर्फ जानी चाहिए उन सब विवादपस्त लोगों के बीच में जो केवल चीप पॉपुलरिटी के लिए इस प्रकार के ट्वीट करते रहते हैं आए दिन, उनका शौक बन चुका है चर्चा में रहने के लिए, उन सब लोगों का अभिजीत के रूप में सब सोशल बायकॉट होगा, इनका ये जो अकाउंट है ये सीज होगा, तो ऐसे लोगों को सबक मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हम सबको ये करना चाहिए और हम मांग भी कर रहे हैं और हम अवेयरनेस अभियान चला करके जयपुर से इस अभियान को पूरे देश में पहुंचाएंगे। वहीं आप पूरे तरीके से ये कहना चाहते हैं कि पूरे तरीके से ये पब्लिकली स्टंट ये उनका रहा है इस ट्वीट के बाद। जी चलिए शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ सूरज सोनी जुड़े थे जो कि जन समस्या निवारण मंच के अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ता सूरज सोनी हैं, जिन्होंने अभिजीत के खिलाफ झोटवाड़ा थाने में FIR दर्ज करा दी है।
आपको बता दें कि ट्वीट जो है अभिजीत भट्टाचार्य ने किया है, पेशे से सिंगर हैं, उनको बड़ा दुख हुआ है, जैसे कि सलमान खान के चहेते हैं, फैंस हैं, परिवार वालों, लेकिन एक ट्वीट जो उन्होंने किया है वो कहीं से भी सही नजर नहीं आ रहा है। सूरज सोनी का कहना है कि एक पब्लिकली स्टंट उन्होंने किया है, उन गरीब लोगों पर उन्होंने ये सीधा सीधा बोला है कि रोड गरीब के बाप की नहीं है। ट्वीट के दौरान उन्होंने फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को सीधा सीधा यहां पर कुत्ता कहकर संबोधित किया है। सूरज सोनी जनसमस्या निवारण मंच के अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एफआईआर दर्ज उन्होंने करा दी है और अब देखना होगा कि आगे किस तरीके का एक्शन यहां पर लिया जाता है, क्योंकि वो उनका ये कहना है कि इसे गलत मैसेज जो है वो युवाओं पर जाता है और हम ये संदेश इसके जरिए दे रहे हैं।